एक और रैंकिंग फैक्टर जो है वो है लाइक ये ऑन पेज के हिसाब से रैंकिंग फैक्टर है। ज़्यादातर जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो ऑन पेज में ही आते हैं, और ऑफ पेज में दो ही जो मेन फैक्टर्स हैं वो आते हैं, एक बैकलिंक्स और दूसरा सोशल सिग्नल। बाकी सारे ज़्यादातर जो है वो ऑन पेज के SEO फैक्टर्स हैं। वेल ये SEO फैक्टर यह है कि आप अपने आर्टिकल में हेडिंग के टैग्स को यूज़ करें, लाइक H1 और H2 के टैग्स में अपना जो है वो एक दफ़ा आपका कीवर्ड आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कीवर्ड है हेयर क्लिपर्स, तो हम रैंडम जो 3 आर्टिकल्स हमने ओपन किए थे लास्ट लेक्चर में उनमें ही देखते हैं, इन्होंने लाइक द 3 बेस्ट होम हेयर क्लिपर्स, तो हेयर क्लिपर्स इन्होंने हेडिंग के टैग में इधर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड में जाते हैं, तो इन्होंने भी जो व्हाट मेक्स ए ग्रेट सेट ऑफ हेयर क्लिपर्स, तो हेयर क्लिपर जो है ये इन्होंने भी हेडिंग के टैग में जो है वो अपना कीवर्ड डाल दिया। इसी तरह थर्ड में जाते हैं और इन्होंने भी जो है वो बेस्ट हेयर क्लिपर्स अवेलेबल इन 2017, तो इधर देखें तो इन्होंने भी जो है वो हेडिंग के टैग में अपना जो है वो मेन कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपने भी अपने आर्टिकल में अपने कंटेंट में H1 या H2 के टैग में अपना मेन कीवर्ड जो है वो आपने पुट करना है, ठीक है। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, लाइक ये वो वाले हमने ओपन किए हुए हैं लिंक जिन्होंने अपनी वेबसाइट को या अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है इस कीवर्ड के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये वो पेजेस हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं और इन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, इसी वजह से ये रैंक कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इस चीज़ को जो है वो फॉलो किया हुआ है, इसलिए जो है रैंक कर रहे हैं। तो आपने भी जब कंटेंट बनाना है तो उसमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ इनको जो है वो आपने इन फैक्टर्स को लाजमी देन में रखना है, जैसे कि URL को SEO ऑप्टिमाइज करना, टाइटल को फर्स्ट पैराग्राफ में अपना जो है वो फोकस कीवर्ड यूज़ करना, इसी तरह H1 या H2 के टैग में जो है वो अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना।